हे गाइस, दिस इज हर्षित एंड यू वॉचिंग हर्षित सी समथिंग न्यू। सो गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग एकदम मस्त एंड मज़े होंगे। सो मेरे भाइयों और बहनों, आप लोगों ने कभी ना कभी ये तो सुना ही होगा कि ओयो रूम्स में दो लव बर्ड्स पकड़े गए, या फिर ओयो रूम्स में रंगारंग कार्यक्रम करते हुए लोगों की वीडियो वायरल हो गई। तो आपके मन में यह सवाल होता है, क्या सीरियसली ये बातें सच होती हैं, या फिर सिर्फ फेक न्यूज़ ही फेक व्यूज़ पाने के लिए वीडियो बनाई जाती हैं? तो आपको हम बता दें कि ये सारी वीडियो सच होती हैं। दिल के टुकड़े टुकड़े करके सो गाइस, जिस ओयो रूम्स को आपने बुक किया है उसमें ऐसा होना पॉसिबल है? जी हाँ, बिल्कुल। आपकी एक वीडियो है या फिर आपकी प्राइवेट वीडियोस है वो रिकॉर्ड हो सकती है ओयो रूम्स में। सो गाइस, क्या ऐसा ओयो रूम्स कर सकते हैं? क्या वो अपने बेडरूम्स या फिर बाथरूम्स में कैमरा लगा सकते हैं? सो गाइस, ऐसा बिल्कुल नहीं। ये सारा का सारा इलीगल है। कोई भी रेस्टोरेंट या फिर कोई भी होटल अपने पर्सनल रूम में, जहाँ पर ज़्यादातर जैसे वॉशरूम होता है या फिर कहीं पर ऐसी चीज़ें होती हैं, वहाँ पर हिडन कैमरा नहीं लगाए जाते हैं। सो गाइस, आज के वीडियो में आपको ऐसे कुछ टिप्स देने वाले हैं जिनकी हेल्प से आप डेफिनेटली, आप जिस ओयो रूम्स को बुक किया या फिर कोई भी रूम को आपने बुक किया है उसमें आप डेफिनेटली अपने हिडन कैम को चेक कर सकते हो। अगर नहीं करोगे तो भाई, हो सकता है कल के दिन बैठ के यहाँ हम भी आपकी वीडियो देख रहे होंगे। तो ये टिप्स ज़रूर सुनो एंड फॉलो करना, एंड आप चेक कर सकते हैं कि आपके ओयो रूम्स में कहीं पर कैमरा है या फिर नहीं है। और गाइस, प्ले स्टोर पर ऐसा कोई भी एप्लीकेशन नहीं है जिसको आप यूज़ करके यूं कैमरा ऑन करके देखोगे तो आपको दिख जाएगा। ऐसा नहीं है, कोई भी एप्लीकेशन अवेलेबल नहीं है। सो आपको हम डेफिनेटली कुछ ऐसी चीज़ें बताएंगे जिनकी हेल्प से आप डेफिनेटली ढूंढ पाएंगे, या फिर थोड़ी सावधानी आपको मिल जाएगी कि एक्चुअली है कैमरा कहीं हिडन या नहीं है। अगर कभी भी आपको डाउट होता है, आप चाहते हैं कहीं है, तो ये चीज़ ज़रूर चेक कीजिएगा। सो गाइस, देखो, ऐसा तो होता है कि किसी होटल के जहाँ पर काउंटर है वहाँ पर कैमरा होता है, या फिर गैलरी में कैमरा होता है, बट पर्सनल जगह पर कैमरा नहीं होता है। सो चलो फटाफट हम जान लेते हैं वो कुछ टिप्स। इनसे आपको भाई सावधानी तो मिल जाएगी, पर ठीक है, पर छुपाने वाले लोग तो फिर कहीं पर भी कुछ भी छुपा सकते हैं। ठीक है, तो टिप्स नंबर फर्स्ट, तो आपको सबसे पहले करना क्या होगा, आपको जिस रूम को आपने बुक किया हो उसकी लाइट को एकदम बंद कर देनी है, एकदम माहौल बना देना है बढ़िया से, बढ़िया रंगीन माहौल, लाइट को ऑफ कर देनी, एकदम अंधेरा हो जाए। फिर आपको करना क्या होगा, आपको अपना फ़ोन निकालना है। ठीक है, फ़ोन निकालने के बाद उसका जो कैमरा है उसको ऑन करना है। सो गाइस, जैसा कि आपने कभी देखा होगा, रिमोट कंट्रोल होता है, रिमोट, कोई कोई रिमोट में जो लाइट होती है वो ऑन नहीं होती है, और जब भी आप बटन प्रेस करते हैं तो चैनल, सॉरी, चेंज हो जाता है। ठीक है, तो ऐसी ही लाइट्स होती है जो हमारी आंखों से नहीं दिखती है, बट अगर हम कैमरे को रखें सामने तो वो लाइट शो होने लगती है। तो आपको करना क्या होगा, आपको कैमरा लेना है, एंड आपको ऐसा लगता है जहाँ जहाँ डाउट्स होते हैं, जैसे सामने मिरर हो गया या फिर पंखा हो गया या फिर कहीं पॉट्स ऑट्स रखे हैं, फिर गमले संभले रखे हैं, वहाँ पे आपको ऐसा लगता है कि यहाँ पर हो सकता है, या फिर कहीं से एकदम परफेक्ट व्यू बन रहा हो आपके रूम का जहाँ से सारा कुछ देख सकें, तो वहाँ पर कैमरा ले जाओ, देखो कहीं पर भी कोई लाइट्स तो ब्लिंक नहीं हो रही, रेड या फिर येल्लो या फिर ग्रीन, इस टाइप की कोई भी लाइट्स ब्लिंक्स होती है तो भाई डेफिनेटली वहाँ पर एक कैमरा होगा। और हाँ, टीवी के सामने ज़रूर ऐसा होता है, देखिएगा कहीं पर भी टीवी लगी हो तो वहाँ ज़रूर चेक करिएगा कि यहाँ पर लाइट्स अपने आप ऑन तो नहीं हो रही है। ठीक है, तो ऐसा आप चेक कर सकते हैं। जो सेकंड मेन चीज़ होती है जहाँ पर कैमरा छुपाया जाता है वो होता है मिरर, जहाँ पर चेंजिंग रूम हो या फिर सामने आपके बेडरूम के कोई मिरर लगा हो बड़ा, तो वहाँ पर डेफिनेटली कैमरा छुपाया जा सकता है। तो वहाँ पर चेक करने के लिए आपको करना है कुछ। सो गाइस देखो, जो हिडन कैमरे के लिए जो मिरर यूज़ होता है वो टू साइडेड होता है, उसका मतलब आप समझ सकते हैं कि अगर आप उसके सामने होंगे तो आपकी आपकी फ़ोटो ज़रूर दिखेगी, लेकिन जो उसके पीछे कोई खड़ा होगा तो वो भी आपको देख सकता है, इसे कहते हैं टू साइडेड मिरर। सो गाइस, टू साइडेड मिरर में होता क्या, जब भी आप अपनी फिंगर्स को टू साइडेड मिरर पर रखेंगे, एंड अगर आपका नेल्स
जो ये गैप करता है, तो भाई मान लो ये यहाँ पर कुछ नहीं है, ये जो मिरर है वो सही है। अगर आपकी जो उंगलियां हैं या फिर पेंसिल की नोक है जो एक दूसरे से बिल्कुल चिपक गई, बिल्कुल भरत मिलाव कर रही है, तो गाइस समझ जाना यहाँ पर कुछ गड़बड़ है, डेफिनेटली यहाँ पर कुछ गड़बड़ है। तो ऐसे भी आप जान सकते हैं कि उस मिरर के पीछे कुछ है। टिप्स नंबर 3 गाइस, ऐसा होता है कभी कभार जब भी आप किसी होटल में जाते हैं तो आपके फ़ोन के नेटवर्क्स हैं वो एकदम बढ़िया से रहते हैं, एंड कहीं पर आप चेंजिंग रूम में गए या फिर किसी रूम में गए, वहाँ पर आपके नेटवर्क्स हैं वो डाउन हो जाते हैं। सो गाइस ऐसा हो सकता है वहाँ पर हिडन कैमरा यूज़ किए गए हों, तो ऐसे करके भी आप चेक कर सकते हैं कि आपके फ़ोन के नेटवर्क्स हैं वो एकदम से गायब हो गए हैं या फिर बिल्कुल 0-0 नेटवर्क आ रहा है, तो हो सकता है वहाँ पर कुछ ना कुछ लगाया हुआ है। एंड गाइस लास्ट एंड फोर्थ जो लास्ट एटिकेट टिप्स है उसमें क्या है गाइस, देखो कभी भी आप कहीं जगह पे गए घूमने के लिए, अननोन प्लेस अननोन जगह पे, तो वहाँ पर आपके पास कोई बंदी आती है, फिर बंदा आता है भाई, दो चार अच्छी बातें करता है और आपका मूड बन जाता है और आप तुरंत ओयो बुक कर लेते हैं। सो गाइस ऐसा प्री प्लान्ड भी हो सकता है, शायद आपके साथ कोई साजिश होने वाली है, आप गए ओयो रूम में और आपने खाया पिया कुछ नहीं और गिलास तोड़ा, चार आना क्या बोलते भाई वो वाला, तो आप गए रूम में और आपकी एक वीडियो बना ली गई, एंड अब आपसे कहा जाता है भाई लाओ पैसे दो, एंड आप ब्लैकमेल होते हैं। सो बहुत चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी है, कभी भी ऐसी जगह पे जाके कुछ ऐसा करना गलत है। तो आई होप आप लोग हमारी भावनाओं को समझ रहे हैं, वरना भावनाओं को नहीं समझोगे तो कल के दिन हम भी यहीं बैठकर आपकी वीडियो देखेंगे और बढ़िया मज़े लेंगे, तो वो मज़े आप किसी को नहीं देना चाहते हैं, तो इन चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखें एंड ये सब ना करें। आई होप आपको ये सब चीज़ें अच्छी लगी हो जानकर, और मेरा तो हो गया भाई एंड। वीडियो में आपको कुछ भी अच्छा लगा हो तो पता है लाइक करना ही करना है, एंड ये वीडियो सभी जगह शेयर करनी है, ठीक है, वरना पता नहीं चले कल किसकी वीडियो कौन देख रहा है और बोल रहा भाई सब बढ़िया था वहाँ, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे एक न्यू वीडियो में, तब तक भाई अपना ख्याल रखो, अपनी फैमिली का रखो एंड स्टे हैप्पी। चलो बाय बाय।